इस बार का प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का देखोगे तो ओनली 33% पीपल आर प्लेस्ड, 77 इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स आर नॉट प्लेस्ड इन माय ब्रांच। और सर सेकेंड बात, हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए भी कंपनी नहीं आ रही, तू आएंगी ही तू जब यहाँ कोई है ही नहीं बुलाने वाला, बच्चे आ रहे हैं तो जो अच्छे अच्छे बच्चे कहीं और भी आ सकते हैं वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें अच्छा ब्रांड चाहिए। और जब वो कॉलेज में आते हैं उन्हें पता चलता है कि यहाँ परमानेंट डायरेक्टर नहीं है, यहाँ फैसिलिटीज नहीं है। फैकल्टी भी सर यहाँ पे 60% फैकल्टी एडहॉक है जो कि परमानेंट ही नहीं है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि सर बाकी नेटिव के सामने हम इंफीरियर फील करते हैं सर, सिंपल सी अगर मैं ये बात कहूँ। स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। आज के इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, NITs। ये केवल नाम नहीं होते हैं, NITs जो है वो बहुत सारे इंडिया के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका ड्रीम इंस्टीट्यूशन होता है। 2007 में गवर्नमेंट ने इनको इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया। कैसा लगेगा आपको या रिएक्शन क्या होगा आपका जब आप ये सुनो कि NIT जो एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे सालों से एक फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, NIT आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे बहुत टाइम से काफी लंबा अरसा गुजर गया है और वहां पे एक फुल टाइम डायरेक्टर तक नहीं है। तो इस मुद्दे को लेके कुछ स्टूडेंट्स ने रीच आउट किया हमें जो NIT आंध्र प्रदेश के हैं, तो इनसे हम समझेंगे कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं एक फुल टाइम डायरेक्टर ना होने की वजह से। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया, आप सब लोगों का स्वागत है। एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि फुल टाइम डायरेक्टर कब से नहीं है, उनके ना होने के उनके एब्सेंस की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं, तो आप लोग बता सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये फुल टाइम डायरेक्टर जो हैं आपके यहाँ पे NIT आंध्र प्रदेश के, वो कब से नहीं है? सर ये एक्चुअली बात है हमारे कोरोना बैच की, जब हम लोगों ने 2021 में यहाँ एडमिशन लिया था, ठीक है, तो सर उस टाइम हमारे जो परमानेंट डायरेक्टर हुआ करते थे वो थे सर CSP राव सर, ठीक है। फिर सर उनको जो है कि कुछ मतलब एलिगेशंस लगे थे जिस वजह से उन्हें पार्ट टाइम के लिए सस्पेंड किया गया था, ठीक है। फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उन्हें परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया और उसी समय से सर हमारे यहाँ पे ये वैकेंसी है, ठीक है। और तो कितना टाइम निकल गया इसमें? इंचार्ज डायरेक्टर जो है कि वो कई बार अपॉइंट किए जा चुके हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे जस्ट आफ्टर CSP राव सर VNIT नागपुर के जो डायरेक्टर थे सर वो प्रमोद एम पडोले सर वो यहाँ पे अपॉइंट हुए थे, और उनके बाद भी जो है कि ये पता चल रहा था कि हाँ प्रोसेस चल रही है, लेकिन वो प्रोसेस में इतना डिले क्यों हो रहा है, कैसे जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हैंडल कर रही है इसका कुछ हमें जो है कि आइडिया नहीं है, ठीक। और इनका की एजुकेशन को लेकर के इतना नेग्लिजेंस कि हमें जो है कि कहा जाता है हम एक स्कूल कॉलेज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में पढ़ रहे हैं सर, right। लेकिन इस कॉलेज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कंसर्न्स को जो है कि सुनने के लिए एक परमानेंट डायरेक्टर 3 साल से नहीं नियुक्त किया जा रहा है। अभी के समय में सर इस कॉलेज में जो इंचार्ज डायरेक्टर हैं वो IIT हैदराबाद के डायरेक्टर हैं, ठीक है, मिस्टर BS मूर्ति सर, ठीक है, BS मूर्ति सर यहाँ पे जो है कि यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, और उनके अपॉइंट होने के बाद ये पता चल रहा था कि जल्दी जो है कि इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा, और हुआ भी ऐसा कुछ जिसमें VNIT नागपुर के जो एक प्रोफेसर थे सर मेटलर्जी डिपार्टमेंट के वो दिलीप पेशवे सर, ठीक है, वो कुछ समय उनका अभी 2 महीने पहले ही हमने आपको लिंक्डइन पे भी शेयर किया था कि वो यहाँ पे जो है कि एज अ परमानेंट डायरेक्टर अपॉइंट किए गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कैसे हुआ, उन्होंने जो है कि रेजिग्नेशन दिया या फिर जो है कि उनका यहाँ पे ज्वाइन करने का मन नहीं हुआ किसी हेल्थ इश्यूज की वजह से हम कुछ नहीं जानते, लेकिन जो है कि 1st अगस्त को ही अभी फिर से एक नया नोटिफिकेशन जो है कि NIT काउंसिल की तरफ से जो है कि फ्लोट किया गया जिसमें नए लोगों को बुलाया गया कि आप यहाँ पे डायरेक्टर के लिए जो है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाँ, वो नोटिफिकेशन देखा मैंने। इतना नेग्लिजेंस हमारे फ्यूचर के साथ जो है कि एक तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं पढ़ाई के लिए और यहाँ पर जो है कि जो मेन एपेक्स बॉडी है इस कॉलेज को हैंडल करने की वही नहीं है सर, पिछले 3 सालों से ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो अभी वो जो नया नोटिफिकेशन है जिसमें परमानेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो मैंने चेक किया अभी, आई थिंक 1 या 2 तारीख को ही रिलीज हुआ, वो 1st अगस्त को आया, राइट? 1st अगस्त को ही है सर, इसीलिए मैंने रीच किया सर कि इतना जो है कि इतने लंबे समय से एक डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा रहा है, अगेन एंड अगेन सेम वही जो है कि एक प्रोसेस ही में हमें उलझाया जा रहा है और केवल यही हमें लुभावना दिया जा रहा है कि हाँ जल्दी इस प्रोसेस को कम्प्लीट किया जाएगा। आखिर कब तक हम लोग इसी जो है की बात को लेकर के बैठे रहेंगे और कब तक हम वेट करते रहेंगे, राइट? बिल्कुल सही। और खास करके वैसे ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस का हाल बहुत बुरा है,
तो जो इंस्टीट्यूशंस अच्छा कर रहे हैं या जिनको गवर्नमेंट ही इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस मानती है, उनके अंदर तो एटलीस्ट इस तरीके का नेग्लिजेंस किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो आप मुझे ये समझाओ कि आप लोगों ने क्या अप्रोप्रिएट जो फोरम्स होते हैं वहां पे अपने कंसर्न्स को रेज किया कि हमारे यहाँ पिछले तीन सालों से कोई परमानेंट डायरेक्टर ही नहीं है? क्या आपने रीच आउट किया, मिनिस्ट्री में रीच आउट किया, और जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनसे आपने मिलने की कोशिश की, या आपने कुछ मतलब किसी भी तरीके का फॉर्मल आप लोगों ने अपना पक्ष रखा कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के सामने? अभी तक तो हम लोग जूनियर ही थे, अभी हम लोग सीनियर लेवल पे आए हैं अपने कॉलेज में। और जो है कि उसके पहले तक हम अपने सीनियर पे जब भी कुछ कहा करते थे कि भैया इस बात को रेस करना है या इस बात को आगे लेकर के जाना है, तो सर उनके अंदर एक डाउट आता था कि अगर मान लीजिए हमें कभी थ्रेटन किया जाता है तो हम अकेले पड़ जाएंगे। और ये डाउट मेरे लिए भी है सर, इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं वही ज्वाइन किए हैं। मैंने बहुतों से जो है कि एक्सपेक्ट किया था कि वो ज्वाइन करेंगे, बट उन्होंने नहीं किया। बिल्कुल, बिकॉज ऑफ दैट कि यही इशू है कि कभी ना कभी उनको टारगेट किया जा सकता है कहीं पर भी, इस कॉलेज में या फिर कहीं मतलब गवर्नमेंट के थ्रू किसी भी लेवल पे। नहीं, टारगेट तो, करने जैसा कुछ है नहीं ना, क्योंकि आप ऐसा कुछ तो मतलब क्या डिमांड कर रहे हो आप? एक नॉर्मल सी चीज जो होनी चाहिए, एक डायरेक्टर जो इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, वो 3 सालों से पोस्ट वैकेंट है। एक फुल टाइम डायरेक्टर का पोस्ट 3 सालों से वैकेंट है, आप उनकी नियुक्ति की मांग कर रहे हो, इसमें आप अलग से मतलब ऐसा क्या कर रहे हो जिसके लिए आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा? हाँ सर, यही बात है, यही बात सोच करके मैंने आप तक रीच आउट किया है सर, कोई दूसरी बात नहीं है। बिल्कुल, लेकिन बात है उस समय कोई इनिशिएटर नहीं था सर, और उस इनिशिएटर का एक तरीके से मतलब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही करूँ, इस वजह से मैं आप तक पहुँचाऊँ, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हम लोग कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, क्योंकि सर डायरेक्ट अगर हम एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी अगर मेल करते हैं या उनको ट्वीट करते हैं तो सर अभी अगर सिनेरियो आप देखें तो ज्यादा कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि वो प्रोडक्टिव हमारे लिए कर पाएंगे। अच्छा, मुझे ये समझाओ, आप लोग एक एक करके मुझे ये समझाओ कि प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या आते हैं एक डायरेक्टर अगर एक इंस्टीट्यूशन में ना हो तो। चलो, एक नाइव इंसान कहेगा कि ठीक है, डायरेक्टर ही तो नहीं है ना, फैकल्टीज है ना आपके यहाँ पे, आपको तो पढ़ने से मतलब है, आप क्यों इन सब चक्करों में पढ़ रहे हो, जब गवर्नमेंट को लगेगा वो अपॉइंट कर देगी। तो आप मुझे प्रैक्टिकल चैलेंजेस बताओ कि एक फुल टाइम डायरेक्टर के ना होने की वजह से क्या चैलेंजेस आप सबको फेस करना पड़ता है डे टू डे बेसिस पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कमिंग टू प्लेसमेंट्स, वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स सर। ओके, नो वन इवन लाइक फुल एटलीस्ट हाफ ऑफ पीपल इन द कॉलेज आर नो गेटिंग नॉट गेटिंग प्लेसमेंट सेक्शंस। सीरियसली? एंड इफ या सर, इफ यू एंड इफ वी कम एंड इफ वी राइज एनी वॉइस हियर, दे विल डेफिनेटली बी टारगेटेड, दे आर डेफिनेटली बी टारगेटिंग। सो इट हैपेंड इन आवर सीनियर सेक्शन, सो वी आर अफ्रेड ऑफ दैट टू मेक दिस। So we are concerned to you. So we are coming to you. So you are saying that at least 50% of batch is still unplaced. Yeah, yes, sir. I mean, this is shocking. So we came for a week. We worked very hard for coming these institutions like NITs. It is our gene drop, sir. But after getting here, we are so disappointed, sir, regarding these placements and some college development also not that good, sir. I don't know what they are doing with the funding. At least we don't know anything better. Okay. Apart from the placement, और क्या challenges आ रहे हैं? Good morning, sir. Good morning. Sir, क्योंकि sir हमारे campus में permanent director पिछले 3 साल से नहीं है, तो कोई भी अगर issue हम लोग को raise करना होता है या हमें कुछ भी अपने issues रखना होता है तो हमें सही place नहीं मिलता और सही environment नहीं मिलता अपने issues को raise करने। और जहाँ तक सर बात प्लेसमेंट की है, तो जब हमारे कॉलेज में डायरेक्टर ही नहीं है तो हमारे फिर कोई कंपनी फिर रीच नहीं करना चाहती, वो पीछे हट जाती है आने से। मतलब एक नेगेटिव परसेप्शन मार्केट में बना हुआ है एनआईटी आंध्र प्रदेश के रिगार्डिंग, आप ये कह रहे हो? यस सर, डेफिनेटली यस सर। क्योंकि सर डायरेक्टर नहीं है तो हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है एज अ होल इंस्टीट्यूशन, ओनली वी हैव फैकल्टीज हियर, बट जब प्लेसमेंट की बात आएंगी तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा, तो वो डायरेक्टर का रोल यहाँ पे नहीं है, तो इस कारण से बहुत कंपनी आना नहीं चाहती और उस कारण से कॉलेज में डेवलपमेंट का जो ग्रोथ रेट होना चाहिए वो बहुत डिक्लाइंड हुआ है जब से डायरेक्टर यहाँ नहीं है। जैसे कि जो फैसिलिटीज हमें मिलनी चाहिए वो अभी तक मिली नहीं है, या जो फेज में डेवलपमेंट और आगे बढ़ना चाहिए था डायरेक्टर के होने के कारण अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। और सर जब भी हमें कुछ इश्यूज आते हैं एज एकेडमिक इशू और नॉन एकेडमिक इशू, हमारे पास कोई सही प्लेस नहीं होता है अपने बातों को रखने का, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टर नहीं है तो वो
बात को वन फेज से सेकंड फेज होता है, फिर वो वापस आकर रुक जाता है। ओके, तो हमारे पास 3 साल से एज अ परमानेंट डायरेक्टर नहीं है, तो फिर बहुत दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ सर अपनी तरफ से, ठीक है, तो एक इंस्टीट्यूशन जो होता है सर, वो कहा जाता है कि स्टूडेंट से बनता है सर। बिल्कुल, स्टूडेंट्स के कंसर्न्स को अगर रेज करना है तो उसको सुनने के लिए कोई एक एपेक्स बॉडी होनी चाहिए। बिल्कुल, और इस कॉलेज में वो एपेक्स बॉडी ही नहीं है। हम मान लेते हैं कि एक टाइम को आप 3 साल से यहाँ इंचार्ज डायरेक्टर जो अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन उस इंचार्ज डायरेक्टर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये होगी ना कि जहाँ का वो परमानेंट डायरेक्टर हो वहाँ के कंसर्न्स को पहले सुने। बिल्कुल, वर्कलोड वैसे ही एक इंस्टीट्यूशन को हेड करना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। अगर आपने एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है तो वो मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, किसी के लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सर बस यही बात है जो है कि जिसके लिए मैं आप तक पहुंचा हूं सर। और मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, अगर आप कहीं तक रीच आउट कर रहे हैं तो हमारे बिहाफ पर ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, कि पिछले 3 सालों से अगर हमारे कॉलेज में एक अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है डायरेक्टर का, तो इसका जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? या हम स्टूडेंट्स लें, या आप ले रहे हैं, या कोई एजुकेशन मिनिस्ट्री ले रही है? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो जो हेड कर रहा होता है पूरे प्रोसेस को, उसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का काम होता है, प्रोसेस इन प्लेस है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन चीजों को देखने के लिए। कि अब वहां पर आपके यहाँ आप बता रहे हो कि अब 3 साल हो चुके हैं, एक परमानेंट डायरेक्टर ही नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ कि चीजें किस तरीके से वहां पर चल रही होंगी। और आप लोगों ने बताया भी कि प्लेसमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही रिसेशन पूरे दुनिया में हिट कर चुका है और वैसे ही लोग स्ट्रगल कर रहे हैं प्लेसमेंट्स को लेके। अब यहां पर जो चीजें अपने एंड से की जा सकती हैं कि एटलीस्ट मतलब एक प्रोसेस तो डेवलप किया ही जा सकता है, डायरेक्टर ही नहीं हो तो फिर किस तरीके से चीजें चल रही होंगी। मैं मतलब सुन के हैरानी हो रही हूँ कि मतलब 3 साल से एक डायरेक्टर नहीं है आपके यहाँ पे, ये शॉकिंग है। थोड़ी सी हर बेस पे जो है कि हमें अदर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है, लेकिन मेरा भी यहाँ पर एक सवाल है जो ये बात कहते हैं कि हाँ आप अपने में क्या यूनिक लेकर के आते हैं इस कॉलेज में। मेरा भी काउंटर क्वेश्चन है कि सर जिस समय NIT आंध्र प्रदेश बना उसी समय NIT गोवा भी बना, बल्कि साल दो साल का गैप था NIT गोवा के बनने में, लेकिन आज आप NIT गोवा की NIRF रैंकिंग देखिए और NIT आंध्र प्रदेश की NIRF रैंकिंग देखिए, NIT आंध्र प्रदेश टॉप 200 में नहीं आता, NIT गोवा 98 नंबर पे आता है सर। अब ये मतलब 3 सालों से जब आपके यहाँ डायरेक्टर नहीं है तो और क्या सीरियसनेस है फिर आप, और कहाँ पे वो टॉप 100 में रहेगा? पॉसिबल ही नहीं है ना, 100 में रहता है। और तो यहाँ पर सर मेन बात यह है कि जिस समय हम लोगों ने इस कॉलेज को ज्वाइन किया तो इस कॉलेज को ऐसा कहा जा रहा था मतलब कॉलेज अथॉरिटीज की तरफ से कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग NIT है, तो कहाँ गया वो फास्टेस्ट ग्रोइंग NIT पिछले 3 सालों में? मेरा ये क्वेश्चन है सर। हैरान करने वाले मतलब बिल्कुल शॉकिंग है ये कि वैसे ही इंस्टीट्यूशंस की कमी है जो अच्छा कर रहे हो, और जिस इंटेंट के साथ आपने NITs को बनाया था वो इंटेंट ही डिफीट हो गया ना, वो पर्पस ही डिफीट हो गया जब आप सीरियस ही नहीं हो। अब इसमें कोई एक्सक्यूज भी कैसे हो सकता है? क्या आपको एक काबिल इंसान नहीं मिल रहा है जिसको आप अपॉइंट कर पाओ डायरेक्टर के तौर पर? वो भी आप एक काबिल इंसान ढूंढ नहीं पा रहे हो अपने इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस के लिए, जिसको आपने ही इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस का दर्जा दिया हुआ है? ये कंप्लीट नेगलिजेंस है बाय द एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये हमारा उन पर एक आप कह लें कि आरोप है, या फिर कह लें कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है कि उन्हें शो करने का एक वे है आपके थ्रू सर। बट हमें जस्ट ये है कि हम थ्रेटन फील ना हो इन फ्यूचर, इसका भी केयर किया जाए 100%। बिल्कुल, अब वैसा कुछ आपका इलॉजिकल डिमांड ही नहीं है ना भाई, आपके इंस्टीट्यूशन में एक परमानेंट डायरेक्टर नहीं है, इससे बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन की क्या हो सकती है, और इसको लेके कौन सर्टन करेगा आपको? सबसे पहली बॉडी जो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करके उनके प्रॉब्लम्स को जो एक ही एलिमिनेट करके उसको सॉल्व करे, वही नहीं है इस कॉलेज में, तो हम क्या ही कर पाएंगे? अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए बिल्कुल इसमें ना। मतलब आप 3 सालों से कहां सो रहे हो आप कि आप एक परमानेंट मतलब डायरेक्टर भी अपॉइंट नहीं कर पा रहे हो? अब मतलब आप लोगों का मेंटल स्टेटस क्या है? आप लोग बाकी NITs के स्टूडेंट से बात करते होंगे, या आपके जो और कलीग्स रहे होंगे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूशन फ्लरिश कर रहे हैं और आप किया? तो मैं यहाँ तो ये कहना चाहूंगा कि सर बाकी NITs के सामने हम इंफीरियर फील करते हैं सर। सिंपल सी अगर मैं ये बात कहूँ कि बाकी NITs के सामने, बाकी कॉलेजेस के सामने जो यहाँ के एक हमारे पास में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है सर, अगर आप उसके कंपैरिजन में इस कॉलेज को लेंगे तो मैं कुछ जो है कि कुछ ज्यादा ऐसा प्रोडक्टिव नहीं देख पाता हूँ।
क्योंकि यहाँ लेबोरेटरीज नहीं है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट हूँ और मैं हमारे यहाँ हमारे जो सीनियर्स थे वो सिटी कॉलेज में जाया करते थे अपनी लेबोरेटरीज के लिए, बट उसके बाद जो हुआ सर हमें जो है कि इसी कॉलेज में लैब करने पड़े और उस समय भी प्रॉपर फैसिलिटीज ही नहीं है सर। तो जो कॉलेज 2015 में बना आफ्टर तेलंगाना सेपरेशन फ्रॉम आंध्र प्रदेश, उसको जो है कि 10 साल हो गए, 10 साल होने को आ गए, 2024 चल रहा है, उसके पास अभी तक अपनी जो है कि फुल फ्लेश्ड जो है कि फुल एस्टैब्लिश लेबोरेटरी भी नहीं है। और ये क्या केवल मैकेनिकल डिपार्टमेंट के साथ ही है या सारे डिपार्टमेंट्स का हाल यही है? सर सारे डिपार्टमेंट्स में लगभग लगभग सेम है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिस डिपार्टमेंट से मैं हूँ मैं उस डिपार्टमेंट के बारे में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ आपको, इसलिए ऐसा है। बाकी डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे शायद नहीं है तो इस वजह से वो नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या चैलेंजेस हैं? जैसे लैब्स का आपने बता दिया, अब अगर वहाँ पे डायरेक्टर होते तो इस प्रॉब्लम को आप वहाँ रखते और देन इसका रेजोल्यूशन मिलता है, इसके अलावा और क्या प्रैक्टिकल चैलेंजेस जो डे टू डे बेसिस पे आपको फेस करना पड़ता है? डे टू डे बेसिस पे एनआईटी स्ट्रेटजी देखा जाए तो वहाँ पे आप अपनी हॉबीज को जो परस्यू कर सकते हो। ठीक है, अगर एकेडमिक्स अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स की तो अभी तक बातें हुई हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स आए तो सर वहाँ पे आपका आ जाता है स्पोर्ट्स, वहाँ पे आपका आ जाता है कल्चरल एक्टिविटीज, बिल्कुल इन सब में तो इस कॉलेज में कोई डेवलपमेंट नहीं है, जीरो डेवलपमेंट है, कोई यहाँ पे एक बॉडी नहीं है जो इसको जो है की हैंडल करती हो, और अगर जो है की ऐसा कुछ होता भी है तो वो जस्ट केवल फेस्ट के लिए होता है। क्या हम केवल फेस्ट टू फेस्ट जो है की एक कॉलेज बन चुके हैं या फिर हमें अपने अंदर भी जो है कि देखना चाहिए ध्यान करके हम जा कहाँ रहे हैं, हम किधर को जो है कि आगे बढ़ रहे हैं। पर एकेडमिक्स के अगर कोर एकेडमिक्स पे हैं, डे टू डे बेसिस पे क्लासेस जो लगनी होती हैं, जो क्लासेस के शेड्यूल्स होते हैं, जो टाइमिंग्स होते हैं, जो जो प्रोफेसर्स को पढ़ाना होता है, जिस तरीके से डिलीवर करना होता है, क्या मतलब एक टाइमलाइन होता है कि आपको इस टाइम बाउंड तरीके से आपको ये कोर्स कंप्लीट कराना है, ये चीजें आपको करानी है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में कराने हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर देना है, वो सारी चीजें इन प्लेस हैं? सर अगर एकेडमिक्स की बात करें तो आप केवल इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले साल तक यहाँ एमटेक के एडमिशन हुआ करते थे सर। ठीक है, बट फ्रॉम दिस ईयर एमटेक के एडमिशन कॉलेज में बंद हो गए हैं। एमटेक के एडमिशन ही बंद हो गए हैं एनआईटी में? बंद हो गए। इससे बड़ा फेलियर क्या होगा? तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसा तभी हो सकता है कि जब कॉलेज में कोई एक्सपीरियंस प्रोफेसर नहीं हो, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेसर या जो है परमानेंट फैकल्टी कॉलेज में टॉप के 3-4 फैकल्टीज हर ब्रांच में जो होंगे वो वही जो है परमानेंट होंगे, बाकी सारे के सारे एडॉक फैकल्टीज यहाँ पे जो है कि अपॉइंट किए जाते हैं, और वो भी 3-4 मंथ्स जो हमारा सेमेस्टर होता है उसी का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। और फैकल्टीज तक एडॉक बेसिस पे हायर किए जा रहे हैं? यस सर, जैसा कि आप मतलब अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी केस सुने होंगे तो ऐसा ही वहां पर भी हो रहा है फ्रॉम 2014। बिल्कुल, पिछले 10 सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सेम प्रॉब्लम है कि वहां पे जो परमानेंट सीट्स हैं वही फिल नहीं की जा रही है, केवल जो है कि वहां पे एक जैसे कह लें कि आप टीचर को रेंट पे ले रहे हैं, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट पे जो है हायर कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद टीचर को अगेन जो है कि एक इंटरव्यू प्रोसेस से होकर के आना पड़ता है। टीचर तो वहां पे हमेशा अपने एक नए जॉब के तलाश में रहेगा ना सर। हाँ, उसको तो सिक्योरिटी नहीं मिलेगी ना, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी अगर आप उसको नहीं दे पा रहे हो तो वो अपना 100% कैसे देगा, वो तो अपनी जॉब बचाने के चक्कर में नई जॉब की तलाश में रहेगा वो। ये जो बात हुई एडॉप फैकल्टी की, ये जो बात है सो है, और अगर हम उनके लिए भी फैसिलिटीज की बात करें तो जिस हॉस्टल में हम रहते हैं उसी हॉस्टल में उनको भी ठहराया जाता है, उनके लिए भी कोई एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है सर। मतलब ये सारी चीजें सुन के और खास करके तब जब आप इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहे हो कि स्टूडेंट्स के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी ही नहीं है, वो स्किल्स कुछ एम्प्लॉयबिलिटी नहीं, यहाँ पर इवन जो है कि हमने कुछ ऐसे भी केसेस सुने हैं सर कि हमारे सीनियर्स गए हैं किसी एक प्रोफेसर से, मतलब मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, जस्ट मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि हमारे किसी सीनियर ने किसी एक टीचर से ये कहा कि सर मुझे रिकमेंडेशन दे दीजिए इस जगह पे इंटर्नशिप के लिए, तो उन्होंने कहा कि कॉलेज आपको डिग्री देने के लिए है ना कि जॉब देने के लिए। अरे यस सर, मतलब आप इकोनॉमिक सर्वे और तमाम नीति आयोग के सर्वे उठा करके देख लीजिए, वहां पर ये कहा जाता है कि इंडिया की 80% बैचलर पॉपुलेशन जो बीटेक करके आती है वो इम्प्लॉयबल नहीं है। बिल्कुल, तो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स अगर आप इम्प्लांट नहीं करेंगे, अगर आप उनको एक इंटर्नशिप प्रोसेस या किसी एक स्किलिंग प्रोसेस के लिए परमिशन नहीं देंगे,
तो कहाँ से जो है कि अपना ऐसा कुछ कर पाएंगे। थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर सर मेजरली इसी के लिए हमारे लिए होना चाहिए कि हमें एक इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर हम इंटर्नशिप करने 2-3 महीने कॉलेज से बाहर जाते हैं तो हमें कॉलेज एडमिशन जो है कि हमारा कैंसिल कर सकता है, हमें जो अटेंडेंस नहीं दे सकता, एग्जाम में बैठने नहीं दे सकता। तो ये कंप्लीट इनजस्टिस है सर आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए। मैं तो फाइनल ईयर में हूँ, 3-4 महीने बाद जो है कि हमारा एक सेमेस्टर और कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या ही है सर। आप कॉलेज अपने एंड से कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देता है आपको? सर कॉलेज ऐसा कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी नहीं देता, हमें जो है कि खुद से रीच आउट करना पड़ता है बाहर में। और उसमें भी फिर वो रेफरेंस रिकमेंडेशंस नहीं दे रहे हैं? यस सर, उसमें भी कोई रेफरेंस रिकमेंडेशन कुछ नहीं है सर। और बस मेरा यही आपसे आग्रह है कि हमें इस कॉलेज अथॉरिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन हमारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए एटलीस्ट कोई होना चाहिए जो कि एक परमानेंट डायरेक्टर हो सकता है इस कॉलेज में। राइट, ये तो बिल्कुल जेन्युइन एक्सपेक्टेशन है ना कि जो बॉडी या जो इंसान इन सारी चीजों को इंश्योर कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वही पिछले 3 सालों से एबसेंट है तो ये समझना बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि वो इंस्टीट्यूशन किस तरीके से फंक्शन कर रही होगी। सर मैं अपने एक बात रखना चाहता हूं सर। सर देखिए, ये इस कॉलेज का अगर आप कट ऑफ देखेंगे पिछले 2 साल का जोसा और सीसैब में जो बच्चे एनआईटी में जेई मेंस के थ्रू से जाते हैं सर, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि अच्छे अच्छे रैंक पे बच्चे यहाँ आ रहे हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात करूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से हूँ, तो वहाँ 22,000 रैंक मतलब 98.5% से बच्चे यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, सीएस में 15,000 रैंक वाले बच्चे आ रहे हैं। तो जो अच्छे अच्छे बच्चे कहीं और भी जा सकते हैं वो यहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें अच्छा ब्रांड चाहिए। पर जब वो कॉलेज में आते हैं उन्हें पता चलता है कि यहाँ परमानेंट डायरेक्टर नहीं है, यहाँ फैसिलिटीज नहीं है। फैकल्टी भी सर यहाँ पे 60% फैकल्टी एडहॉक है जो कि परमानेंट ही नहीं है। और जब स्टार्ट और जब वो लोग ऐसे करके कॉलेज में आते हैं एक्सपेक्टेशन के साथ, तो उनका फिर वो मॉरल डाउन होता है और वो फिर उस मोटिवेशन के साथ मेहनत नहीं कर पाते। उसने 2-3 साल टाइम दिया जेई में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, उसके बाद काफी अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने रैंक भी लाया और उन्होंने इस कॉलेज में अच्छा ब्रांच लिया, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, जो भी मिला उन्होंने अच्छे रैंक आया। आप सर इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट आके चेक कर सकते हैं कि कितने रैंक्स हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं। तो काफी अच्छे अच्छे मार्क्स पे बच्चे आ रहे हैं पर उन्हें व्यवस्था नहीं मिल रही है। और दूसरा बात, अगर सर आप हर कॉलेज में जो कंपनी आती है वो रैंक के हिसाब से आती है, आपका कॉलेज का क्या रैंकिंग है वो उस हिसाब से आपको रीच करती है। ठीक है, बिल्कुल। हमारे कॉलेज में एनआरएफ वाले पिछले 2 साल से आए ही नहीं है। अगर आप डाटा चेक करोगे तो 2022 के बाद 23-24 में हमारे कॉलेज में रैंकिंग वाले आए ही नहीं है जो इस कॉलेज को रैंक करे। सो देयर इज नो डाटा अबाउट रैंकिंग ऑफ दिस कॉलेज फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। इंडस्ट्री परसेप्शन की बात होती है उसमें, एनआईआरएफ का जब आप डेटा उठा के देखते हो तो उसमें देखा जाता है कि इंडस्ट्री का परसेप्शन क्या है किसी एक इंस्टीट्यूशन के बारे में। परमानेंट डायरेक्टर नहीं है तो ऑफ कोर्स देयर विल बी नो वन टू कंसर्न अबाउट द रैंकिंग ऑफ द कॉलेज। और सर सेकंड बात, हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए भी कंपनी नहीं आ रही, तो आएंगे ही क्यों जब यहां कोई है ही नहीं बुलाने वाला। और हम ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे हैं, ब्रेन ड्रेन को रोकने की बात कर रहे हैं हम, और जो आपके पास स्मार्टेस्ट ऑफ स्मार्ट जा रहे हैं, जो पढ़ने वाले जा रहे हैं, उनको फैसिलिटी ही नहीं दे पा रहे हो। आप चेक कर सकते हो सर, जोसा और सीसैब ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेक कीजिए सर। 15,000 रैंक वाले बच्चे, 99% वाले बच्चे, 98 वाले बच्चे। मैं खुद सर 98% वाला बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ, मुझे सर सब पता है। मैं चाहता तो NIT पटना इलेक्ट्रिकल ले सकता था, मैं यहाँ आया अच्छे ब्रांच के लिए। और जब मैं यहाँ आया और जब यहाँ की व्यवस्था को मैंने देखा तो फिर मुझे लगा कि मैं तो और सब कॉलेज IIT NIT से बहुत इंफीरियर हूँ, क्योंकि जब मैंने इतना मेहनत किया इस कॉलेज में आने के लिए और nobody is there to shape my future in college, तो फिर सर क्या ही है। हम लोगों के लिए यार ये चैलेंजिंग और होता जाता है। हम लोग एक मॉडल की तरह NITs को और IITs को प्रेजेंट करते हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सामने कि आप लोग इनको फॉलो करो, बट अब हम किसको प्रेजेंट करेंगे? हम लोग अभी तक फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनको, कि वहां भी ना तो फैकल्टीज है, ना उनका कोर्स करिकुलम मार्केट्स के साथ सिंक में है, ना इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। और हम लोग प्रेजेंट करते हैं NITs को एज रोल मॉडल और इनको फॉलो करिए, बट आप लोग जो बातें बता रहे हो इसको लेके तो मतलब अब क्या, किसको मॉडल ही नहीं है आपके पास। तो फिर उनका कितना मॉडल डाउन होगा और वो कितना मेहनत कर पाएंगे आप खुद सोच सकते हैं सर। और जब कंपनी ही यहाँ नहीं आएगी क्योंकि उनको पता है कुछ रैंकिंग ही नहीं इस कॉलेज का, आप तो सोच सकते हो NIT मिजोरम एंड NIT नागालैंड तक का रैंकिंग है, बट NIT आंध्र प्रदेश जो कितना अच्छा वेल डेवलप्ड स्टेट है उनका कोई अपना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का रैंकिंग ही नहीं है। बट नॉर्थ ईस्ट नागालैंड पुडुचेरी ये मिजोरम सबका अभी भी है रैंकिंग अच्छा है।
एब्सोल्यूट फेलियर है ये, मतलब हर लेवल पे जो सिस्टमिक फेलियर जिसको कहते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फेलियर है। ये ऑटोनोमस बॉडी आपने बना दी उसको, बट ऑटोनोमस बॉडी को रन करने के लिए आप एक परमानेंट डायरेक्टर तक अपॉइंट नहीं कर पा रहे हो। समझा जा सकता है आप शिक्षा को लेकर कितना सीरियस हो? Yes, sir, और एक बैलेंस होना चाहिए एडहॉक फैकल्टी और परमानेंट फैकल्टी, ताकि बच्चों को ये लगे कि हमारे पास परमानेंट फैकल्टी हैं जो कि हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ताकि हम उन्हें अपनी समस्याएं बता सके, हमारे एकेडमिक समस्या या कुछ भी प्रोजेक्ट्स पे काम करना। बिल्कुल, एडहॉक फैकल्टी तो वो जितना महीने का उनका रहेगा वो उतना ही महीना रहेंगे, फिर वो चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। और आप बता रहे हो 60% एडहॉक फैकल्टीज है और 40% परमानेंट फैकल्टीज है। अगर आप रेशियो निकालेंगे सर आपको पता चल जाएगा हर डिपार्टमेंट में एटलीस्ट 5 से 6 एडहॉक फैकल्टी तो है ही। और सर मैं फर्स्ट ईयर में जब था तो मुझे बस 3-4 ही परमानेंट फैकल्टी पढ़ाए, बाकी सारी एडहॉक फैकल्टी थे। किसी प्रॉब्लम को चलो सॉल्व करने में आपको 6 महीने लग सकते हैं, यार 3 साल निकल चुके हैं, एक पूरा बैच बर्बाद कर दिया आपने। सर इस बार का प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का देखोगे तो ओनली 33% पीपल आर प्लेस्ड, 77 इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स आर नॉट प्लेस्ड इन माय ब्रांच। तो आप सोच सकते हो कि क्या हो रहा है। और जिनको प्लेसमेंट मिला है उनका वो क्वालिटी प्लेसमेंट है, किस तरीके का प्लेसमेंट मिला हुआ है? नहीं सर, वो या तो प्लेसमेंट को चाहिए तो वो करने चले गए, चाहे वो सेल्स में गए हो, चाहे वो एजुकेशन में चले गए हो, कहीं पढ़ाने चले गए हो, ये नहीं बोल सकते कि सारे के सारे सॉफ्टवेयर में ही गए हैं। मतलब हर फील्ड में 6 लाख 7 लाख 10 लाख बस चले गए हैं, बाकी जो वो कुछ मिला ही नहीं, वो अनप्लेस्ड होकर इस कॉलेज से वापस जाएंगे। और मैंने बहुत सारे सीनियर्स को देखा है, शॉकिंग है, कम्प्लीटली शॉकिंग है ये तो। मतलब क्या बोला जाए इस स्टेट में, जिस स्टेट में एजुकेशन को छोड़ रखा है, वो भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जो जिनको आप खुद नेशनल इम्पोर्टेंस मानते हो, और अगर ये नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस को ट्रीट करने का तरीका है, ये आपका ध्यान है अगर इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस पे, तो फिर भगवान ही मालिक है फिर एजुकेशन के। तो फिर सर जैसे कि आंध्र प्रदेश साउथ का स्टेट है, यहाँ सर आप NIT त्रिची को देख रहे हैं, NIT वारंगल को देख रहे हैं, NIT कैलिकट को देख रहे हैं, NIT सूरतकल को देख रहे हैं, इवन सर हमारा जो NIT भोपाल को देख रहे हैं। सर हर NIT जो है अपने आप को ग्रो कर रहा है, साउथ के NIT तो बहुत डेवलप हो चुके हैं। बिल्कुल, हम लोग भी उसी साउथ के कल्चर में है। आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ, NIT वारंगल अलग हो गया, तो एटलीस्ट हम लोग NIT वारंगल के 50% तक तो होने चाहिए। बिल्कुल, हम लोग 10 साल में वहां तक भी नहीं पहुंच पाए, जबकि आंध्र प्रदेश इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्टेट है। ये सर यहाँ का इकोनॉमी अभी भी तेलंगाना से अधिक आ जाएगी, देखे इनका पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है सर। बिल्कुल, स्टेट का तब भी अगर एजुकेशन पे इतना नेग्लिजेंस है तब तो फिर इससे अच्छा है कि इस सिस्टम को ही फिर खत्म कर दिया जाए। क्यों झूठ मूठ के अच्छे बच्चों के यहाँ लाना और फिर उन्हें डिमोटिवेट करना चाहता है। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? और जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हो सर, एक और वहाँ पे कंसर्न है सर, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपको स्टूडेंट काउंसिल का बॉडी दिखता है जो कि स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे हमारे सीनियर्स आज खुद के दम पे इतना बड़ा मीटिंग को हम लोग एड्रेस कर रहे थे, हमारे कॉलेज में सर पिछले 10 साल से एक स्टूडेंट काउंसिल तक नहीं बना। आप सोच सकते हैं स्टूडेंट काउंसिल है ही नहीं आपके यहाँ पे 10 सालों से? स्टूडेंट काउंसिल है ही नहीं सर। इवन सर हमारा प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी अभी तक जो होता है ना, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर रिप्रेजेंटेटिव जो स्टूडेंट बनते हैं, जो कॉल करते हैं, रीच आउट करते हैं, वो तक नहीं है अभी तक फिक्स हुआ है। और ये कब तक नहीं, कब से नहीं है या कभी था ही नहीं जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटिंग बॉडी होती है? है वो, बस एटलीस्ट आप बोल सकते हैं कि एक ऑफिशियल पोजीशन है बस। अच्छा, और किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है उस पे या फंक्शनल है वो बॉडी? सर वो अभी भी सर एक उनका वैकेंसी निकला था प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के लिए, शायद वो भी ज्वाइन किए कि नहीं आई डोंट नो, बट जैसे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है सर वो तो बिल्कुल नहीं है। और जैसे प्लेसमेंट सेल में एक स्टूडेंट रहता है जो कि 4th ईयर के रहते हैं, वो भी अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे बोर्ड, हमारे जो इंस्टीट्यूट है वो हमें बस एग्जाम के स्ट्रेस, सेमेस्टर स्ट्रेस में रख के इन सारी बातों को छिपाना चाहती है। अगर आप प्लेसमेंट ही नहीं दे सकते एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, आप इंजीनियर बना ही नहीं सकते, तो फिर कहीं से पढ़ ले क्या फर्क पड़ता है? प्लेसमेंट तो बाद की बात आएगी ना, सिस्टमिक फेलियर तो तब से स्टार्ट हो गया जब आपने डायरेक्टर ही अपॉइंट नहीं किया, उसके बाद आपके पास फैकल्टीज एडहॉक पे आपने रख रखी हैं, तो अगर उसके अंदर स्किल्स ही नहीं रहेंगी तो प्लेसमेंट वो लेगा कैसे फिर? आपके यहाँ लैब्स तक नहीं है यार, ये तो हैरानी है ना। मतलब इस तरीके की अव्यवस्था, मतलब वो भी इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस में कि आप लैब तक नहीं फैसिलिटेट करा पा रहे हो इंस्टीट्यूशंस को, तो प्लेसमेंट तो बहुत दूर की बात हो गई ना। जब स्किल्स ही नहीं होंगे स्टूडेंट्स के अंदर तो प्लेसमेंट लेगा कैसे वो फिर?
जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं प्लेसमेंट तक पहुंचने के लिए, वो सारी चीजें एब्सेंट हैं आपके यहाँ पे, तो फिर प्लेसमेंट कैसे हो जाएगा? जी सर, इसके अलावा और कोई चैलेंजेस? मैक्सिमम चीजें आपने कवर कर दी हैं। सर वन मोर थिंग मैं यहाँ पे कवर करना चाहूंगा। सर कॉलेज के जो एलुमनाइज होते हैं सर, उनसे हमारा कोई भी रीच, कोई कनेक्शन कुछ भी नहीं है। अलुमनाई एसोसिएशन कोई ऐसा कुछ बना हो जिसके आप लोग पार्ट हो? रिलेशंस के लिए एक डीन है सर, लेकिन वो क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे हो रहा है, कुछ हमें जो की पता नहीं है। कोई स्टूडेंट्स बॉडी नहीं है तो इसको मैनेज करे, और अगर टीचर्स ये कहते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा वर्कलोड है, तो आप उस वर्कलोड को लूज करने के लिए आप स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, यही होता है ना, उनको भी मौका दो, मौका दो आने। और NITs और IITs की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे अकॉर्डिंग तो उनका अलमनाई ही है ना, जो गाइड करता है स्टेप, हर स्टेप पे जो नेटवर्क बनता है आपका इन इंस्टीट्यूशंस में, यही तो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना। यस सर। और आप बता रहे हो वो है ही नहीं, अलमनाई एसोसिएशन, अलमनाई कनेक्ट करके कुछ है ही नहीं आपके यहाँ पे। अलमनाई कनेक्ट है सर, लेकिन वो मैनेज कैसे हो रहा है, हमारा कोई उसमें मतलब है कि स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है हमारा जो है कि किसी एलुमनाई से। कभी हमने जो है कि एलुमनाई मीट होते हुए नहीं देखा कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे स्टूडेंट्स को इनवाइट किया गया है। मतलब पिछले 3-4 सालों से जब से आप लोग हो, एक भी मीट नहीं हुआ एलुमनाई मीट? एलुमनाई मीट तो मैं नहीं जानता कि कुछ ऐसा कभी हुआ है। मतलब जो भी पैरामीटर्स होते हैं एक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में, उन सारे ही पैरामीटर्स पे फेल कर गया है NIT आंध्र प्रदेश जो है। और अगर होता भी है तो ऑनलाइन में होता है, तो ऑनलाइन में कुछ मतलब जब क्लासेस वगैरह चल रही हैं तो स्टूडेंट्स उतने इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं उनसे। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि जो भी चीजें हो यहाँ पे फिजिकली अगर होंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। कोई ग्रुप वगैरह क्रिएट किया गया है जिसमें आप लोगों को भी ऐड किया गया हो एलुमनाइज के साथ? नहीं सर, हमसे इस बारे में कभी जो है कि डिस्कशन ही नहीं हुआ कि हाँ एलुमनाइज रिलेशंस को मैनेज करने के लिए हमें स्टूडेंट्स की जरूरत है और आप लोग आए। भाई डीन पे अगर आपके पास वर्कलोड है तो वर्कलोड डिवीजन नाम की भी एक चीज होती है ना, ये तो बेसिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है, टास्क एलोकेशन का, टास्क डिवीजन का, टास्क डेलीगेशन का। यहाँ पे किसी भी डीन पे आरोप नहीं है सर, बेसिकली मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि कल को मुझे थ्रेटन किया जाएगा और मैं जान रहा हूँ आज नहीं तो कल ऐसा कुछ ना कुछ होगा ही, तो इस बात से मैं जो है कि यहाँ पे मतलब ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन जस्ट एक बात थी कि हाँ हमारा कोई एलुमनाई से रिलेशंस ही नहीं है, तो जस्ट इसलिए मैंने ये बात कही। तो अच्छा क्या चल रहा है इंस्टीट्यूशन में? ना आपके यहाँ परमानेंट फैकल्टीज हैं, 60% आपने डॉग पे रख रखा है, ना आपके यहाँ डायरेक्टर है, ना एलुमनाई कनेक्ट का कुछ आपने कर रखा है, लैब्स आपके यहाँ है नहीं, तो क्या कोई एक अच्छी चीज है जो लगता हो कि हाँ ये नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस है, ये इंस्टीट्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंस है ये? सर कॉलेज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस अगर हम बोलना चाहें तो इसको जैसे आपने पैरामीटर्स बताए उन पैरामीटर्स पे तो मैं नहीं गिनता हूँ, बस एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो यहाँ का थोड़ा बहुत सही लगता है बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में, लाइक दी फैसिलिटीज ऑफ हॉस्टल्स और जो हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं और ये जो जहाँ पे क्लासेस चलती हैं, बट वो भी कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं है। अभी आप समझिए कि 2015 से करके अभी 2024 में आने के बाद जो है सारे फैकल्टीज के कमरे में एसी लगा है सर, अभी तक इसके पहले तक वो भी उसी गर्मी में रहा करते थे, जो कि ये आंध्र प्रदेश एक हाई टेम्परेचर जोन में आता है, वो हाई टेम्परेचर जोन में आता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स हैं, ये सारी रिस्पांसिबिलिटी उनकी होती है जो हेड कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, ये एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, क्लियर दिख रहा है ये। यस सर, हमारी कोशिश ये होगी कि हम एक तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को भी रीच आउट करेंगे इसके बाद अभी ही, ताकि अभी इन्होंने नोटिफिकेशन तो जारी किया है, लेकिन आप लोग बता रहे हो कि ऐसे नोटिफिकेशंस कई सारे जारी हो चुके हैं और अभी तक परमानेंट अपॉइंटमेंट हुआ ही नहीं है पिछले 3 सालों में, है ना? तो होपफुली इसीलिए हमें इनकी जवाबदेही लेनी है कि और हमारा ये क्वेश्चन है इनसे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ अभी तक। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, बिल्कुल तय होनी चाहिए कि 3 सालों तक आप क्या कर रहे थे कि आप एक परमानेंट डायरेक्टर तक नहीं दे पाए। यस सर, और ऐसा भी नहीं है कि इस कंट्री में जो अनस्टेबल गवर्नमेंट रही है तो ये नहीं दे सकती, बिल्कुल बात ये है। और शिक्षा के ऊपर आप अपने बजट में एलोकेशन जो होता है वो कितना करते हो, ये पूरी दुनिया कितना करती है और हम कितना करते हैं हम जानते हैं। हेल्थ के ऊपर हमारा जो बजटरी एलोकेशन होता है उसमें हम कितना करते हैं, पूरी दुनिया कितना करती है हम जानते हैं। तो मतलब दो इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर्स हैं, उन दोनों ही पैरामीटर्स पे हम मतलब वर्ल्ड के सबसे लोएस्ट कंट्रीज में से हैं जो अपने बजट का सबसे इतना कम एलोकेट करते हैं।
शिक्षा और हेल्थ। आज ओलंपिक आए हैं तो हम ओलंपिक्स की चर्चा कर रहे हैं, हम मनु भाकर की तारीफें कर रहे हैं, लेकिन उनके जो है कि डेवलपमेंट में, उनके स्किल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का कितना रोल रहा ये कोई नहीं जानता है। बिल्कुल, सिस्टमिक फेलियर्स हैं, क्लियर सिस्टमिक फेलियर्स हैं। और ऐसे ही जो फेलियर्स दिख रहे हैं क्लियर, कि 3-4 सालों से एक स्टूडेंट, मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, वो भी जिनको हम टॉप 5% में काउंट करते हैं, टॉप 5% में ज्यादा बता रहा हूँ, वो टॉप 2%, टॉप 3% में आते हैं स्टूडेंट्स, जो 98% लेके आ रहे हैं और NIT जैसे इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं और एक सपना लेके जा रहे हैं कि मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट सारी चीजें मिलेंगी, चाहे बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज हो, बेस्ट ऑफ द कोर्स करिकुलम हो। एक नाम, एक चीज आती है कि ऑटोनोमस इनको क्रिएट किया गया ताकि इनका जो कोर्स करिकुलम है वो इंडस्ट्री के साथ सिंक में रख पाए। तो क्या आपने ऐसा कुछ देखा कि जो इंडस्ट्री की डिमांड है उनके साथ इन्होंने अपने कोर्स करिकुलम को सिंक में रखा हो? क्योंकि ऑटोनोमस बनाने का सबसे बड़ा रीजन ही यही था कि आप जो इंडस्ट्री के नीड्स हो उनको समझें, उनको अपने करिकुलम का पार्ट बनाओ। सर, करिकुलम अगर आप इंडस्ट्री नीड्स पे रख भी लोगे तो आप उसको पढ़ाओगे तो टीचर्स के थ्रू ही। बिल्कुल अग्रीड। और वो टीचर्स ही परमानेंट नहीं है तो अपने नए जॉब की तलाश में हमेशा लगे रहेंगे, वो अपने दूसरे प्रिपरेशन में लगे रहेंगे, उनका आ जाएगी आधा तो हो जाएगी डेडिकेशन कहीं और होगा, तो स्टूडेंट्स पे कितना ही फोकस कर पाएंगे। अग्रीड, ठीक है। इसके अलावा और किसी को कुछ ऐड करना हो या कुछ ऐसा पॉइंट जो मिस हो गया हो पूरे डिस्कशन में, पूरे कॉन्वर्स? देयर इज नो स्टूडेंट काउंसिल। रिगार्डिंग इफ देयर इज एनी स्टूडेंट काउंसिल, लाइक एनी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, वी कैन टॉक अबाउट आवर प्रॉब्लम्स, ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स कैन रीच आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, सो दैट ही कैन गिव आवर प्रॉब्लम्स टू देयर respective head. Right. There is no student council. And so finally, these are the problems, and we need at least a solution for this from your, please completely aligned with whatever the problem which you guys are facing, and we'll try our best ki jitni jaldi ho sake in sare problems ka resolve, kyunki in problems ke sath ek din bhi deal karna bahut difficult hai aur iska seedha impact hazaron students ke career pe pad raha hai, aur ye wo students hai jinke upar responsibility hai, india ko aap grow karao, develop karo, aap ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ हम इतने ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बना लेंगे, और आप अपने एजुकेशन जो आपका सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है उसके साथ ये कर रहे हो, आपके 3 सालों तक आपके पास कोई डायरेक्टर ही नहीं है, और बाकी जो प्रॉब्लम्स आप लोगों ने बताई, मतलब ये तो बिल्कुल सीरियस नेग्लिजेंस है और इसका कोई एक्सक्यूज हो नहीं सकता है। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि पहले तो इन प्रॉब्लम्स को जितनी जल्दी हो सके रिजॉल्व किया जाए, एंड देन ये अश्योर किया जा सके कि जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल थे उनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो पाए। ये तो मतलब क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ना, आपने 3 सालों तक स्टूडेंट के करियर को बिल्कुल तहस नहस कर दिया, कंप्लीट ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस के कैटेगरी में आता है। सर, अनदर स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड माय थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, सर आई डोंट नो लाइक विद होम यू विल अप्रोच दीस आवर what is called our problems, at least after you have talked to them, at least once again we will meet and we will sure we will be in touch. Sure, yes sir, thank you. Jo bhi hota hai update, main aapko update karta rahunga, theek hai? Yeah, that update we want, sir. Sure, theek hai, okay sir. Okay, sir, aur kuch add karna hai aap किसी को भी? नहीं सर, आई थिंक इट्स डन। ठीक है सर, लाइक फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट एट लीस्ट वन आर टू मेंबर्स हैव केम सर, सो ठीक है, दीस आर ऑलमोस्ट आवर प्रॉब्लम्स। ठीक है तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपने देखा, मतलब ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हर बच्चे का सपना होता है कि इन इंस्टीट्यूशंस में बच्चा इस उम्मीद के साथ जाता है, उसकी पूरी फैमिली इस उम्मीद में रहती है कि अगर NITs में एडमिशन मिल गया तो करियर बिल्कुल सेफ है मेरा, सिक्योर है, वहाँ बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज मिलेंगी, लैब्स वर्ल्ड क्लास मिलेंगे मुझे, कोर्स करिकुलम अच्छा मिलेगा, प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी। बट यहाँ आप देख रहे हैं कि एक NIT जो मतलब जो कॉम्पीट कर रहा था NIT वारंगल के साथ, उसमें बेसिक एमिनिटी जो बेसिक चीजें मिलनी चाहिए एकेडमिक्स के तौर पे, वो भी नहीं मिल रही हैं। तो हमारी कोशिश, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, जो भी ऑफिशियल्स अगर देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, हम डायरेक्टली भी रीच आउट करेंगे, बट इन प्रॉब्लम्स को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिजॉल्व करना चाहिए।